अरे हथियार के साथ इतना फोटो खिंचाने का है तो दुकान पे जाके नकली हथियार खरीदो, लाइसेंस लियो, लाइसेंस के नियम होते हैं, नियम कहीं पढ़े हो? कितने पेज, कितने नियम है लाइसेंस के? मान लो लोडेड गन है, फायर हो जाए तो कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? मैं जा रहा था ड्यूटी, तो बोला अंकल हाँ, ड्यूटी जा रहे थे अंकल, फोटो खिंचाने के दे दो। खानदानी मारपीट करने वाले हो तुम लोग, क्या सुरक्षा करोगे आप? अपने हथियार की तो सुरक्षा नहीं कर पाते आप, बातो खुद भी जेल जाओगे, मुझे भी पहुँचवाओगे। पुलिस के हाथ भैया बहुत लंबे हैं। कहाँ खिलाते हो जुआ फटा? मोहल्ले में। 50 साल में कोई समझ नहीं आई तुमको? तुम्हारा दिमाग तो बच्चे वाला बुद्धि है तुम्हारा। अरे भैया इसको मार दो, तो दो चार को यही कम कर दोगे। अनट्रेंड आदमी को ऐसे ही पकड़ा देते हो, ट्रिगर में उंगली दबा देगा, कुछ कर देगा, फायर कर देगा, कौन जिम्मेदारी लेगा? नौकरी के बाद ये सिखलाई तुम्हारी? ये किसको दे दिए थे तू अपना हथियार? नहीं दिए नहीं था सर, वो बर्थडे था उस दिन। तो ये बर्थडे का ये चीज है? बर्थडे में आर्मी में क्या बर्थडे में आप लोग यूज करते थे हथियार को क्या? नहीं सर। पूरी लाइसेंस वाले के की गलती मानी जाती है हथियार के साथ कुछ भी हो, उसमें गोली चल जाए, किसी की जान चली जाए, पता है क्या होगा? अपराध कायम हो जाएगा आपके खिलाफ। ये क्या बर्थडे में क्या खिलौना है ये बच्चों का? आपके जैसे समझदार आदमी से तो अपेक्षा कर ही नहीं सकते हम। इसको तो लॉक एंड की में रखना होता है, सुरक्षा के लाइसेंस मिलता है, लाइसेंस ही कैंसिल हो जाएगा आपका। ये जो प्रेस रिलीज निकल गया ना, वो वापस मिलेगा भी नहीं अब लाइसेंस। किसके बर्थडे पे दे दिया आप? लड़के का दोस्त था। हाँ लड़के का दोस्त था ना, तो आपके घर से लड़के के दोस्त के घर गया हथियार? सर अपने मेरे ही घर में बनाया। आपके घर पे बर्थडे बना किसका? लड़के का। लड़के के बर्थडे, आपके लड़के के बर्थडे में उसका दोस्त ने इसको लेके फोटो खिंचाया? लड़के ने भी खिंचाया होगा? नहीं सर। हाँ दोस्त ने खिंचाया। कब की बात है ये? ये हो गया सर 7-8 साल। तो ये फोटो कहाँ से आया सोशल मीडिया में फिर? उस टाइम तो सोशल मीडिया होता भी नहीं होगा जहाँ पे डला है। नहीं मालूम सर इसके बारे में, जानकारी नहीं मुझे। इंस्टाग्राम में मिला है? इंस्टाग्राम तो लॉन्च ही अभी कुछ दिन सालों से चला है। किसको कहानी सुना रहे हो तुम? तुम्हें क्या लगता है सबसे ये लाइसेंस कब से है तुम्हारे पास? 2000। हाँ 2000 से पहले से। ये लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा। और इसमें गोली भर के रखते हो खाली रखते हो? इनसे पूछ रहा हूँ पहले, कौन सा हीरो बन रहे हो ऐसे? तो वो अच्छा काम किया, तुम्हारा वेपन तुम्हारे से पूछताछ होगी, चिंता क्यों कर रहे हो? जनता के सामने बोलना चाहते हो, बोलने का पूरा मौका दूंगा मैं, टेंशन मत लो। ऐसा लग रहा है कितना बड़ा काम किए हो आप। आपके ऐसे लोगों का गन कल्चर बढ़ रहा है इस देश में, जो फैशन हो गया है गन के साथ फोटो खिंचाना। लाइसेंस लियो, लाइसेंस के नियम होते हैं, नियम कहीं पढ़े हो? कितने पेज, कितने नियम है लाइसेंस के? कभी खोल के पढ़े हो नियम? वो पहला नियम यही है कि नाबालिग को इसको देना नहीं है। जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो उठा भी नहीं सकता इस हथियार को। अरे हथियार के साथ इतना फोटो खिंचाने का है तो दुकान पर जाके नकली हथियार खरीदो, वो भी अलाउड नहीं है आम फैक्ट में, किसी भी हथियार के साथ फ्लॉन्ट करना। किसको दिखा रहे थे फोटो? जो इतने सारे लोग जो आए थे सब नाबालिग बच्चे, वो ये फोटो देख के और वो भी घर में मांग करेंगे कि हम भी लाइसेंस दिलाओ, हम भी अपने बर्थडे में फोटो खिंचाएंगे इससे। कोई समझदारी नहीं है आपको, आर्मी का भी नाम खराब करते हो ऊपर से। 24 वर्ष काम करके यही सीखे हो आर्मी से, पीछे हो बहुत बताना चाह रहे थे। इधर आप क्या काम करते हो? सिविल काम, वो नाइट ड्यूटी जाता हूँ बिजली ऑफिस में, मिलाई 3 महीने। अब गार्ड का काम करते हो? तो ये लाइसेंस कब से लिए हुए हो? मेरा 2010 का लाइसेंस है। क्यों लाइसेंस लिए? जानमाल की रक्षा के लिए। और ये फोटो किसने खिंचाया आपका? ये बच्चा, ये कौन आपका अपना बच्चा है? नहीं मेरा बच्चा नहीं सर, मैं जा रहा था ड्यूटी तो बोला अंकल फोटो खिंचा। हाँ, ड्यूटी जा रहे थे अंकल फोटो खिंचाने के लिए दे दो, और तुमने इसको दे दिया है फोटो खिंचाओ। तो ये ड्यूटी लेके जाते हो क्या डेली तुम? हाँ गार्ड में यही वाला वेपन रखते हो तुम? दूसरा वेपन रहता है वहाँ तो भाई, ये तो घर में रखने के लिए है, ये तो घर से निकाल के दिए हो तुम, कहानी सुना रहे हो मुझे। हाँ तो कहाँ रास्ते में मिल गया तुम्हें? कहाँ रहता है तुम्हारे घर के पास रहता है? तुम्ही लोग तो कल्चर बढ़ाए हो गन का। मान लो लोडेड गन है, फायर हो जाए तो कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी?
कहीं आसपास कोई मर गया, कुछ हो गया, नाबालिग था दिख रहा है। कितने साल के हो बेटा तुम? 22 साल। कब कब का फोटो है ये? अभी एक डेढ़ महीने पहले का फोटो। किसी को पकड़ा है तो ट्रेनिंग लिया है क्या अपने हथियार का? पूछा तुमने? अनट्रेंड आदमी को ऐसे ही पकड़ा देते हो, ट्रिगर में उंगली दबा देगा, कुछ कर देगा, फायर कर देगा, कौन जिम्मेदारी लेगा? भैया ये सुरक्षा के लिए लाइसेंस मिला है, शोबाजी के लिए नहीं मिला है। इसका तो लाइसेंस भी चला जाएगा तुम्हारा। जब हथियार रख नहीं सकते हो इसको, ट्रेनिंग लिया हो इसका हथियार चलाने का? हाँ, कहाँ ट्रेनिंग लिए हो? घर से ही, मतलब खुद ही ट्रेनिंग कर लिए, घर में ट्रेनिंग किए हो, सुन लो, हथियार ले लिए। ये कलेक्ट्रेट से मिला है कि दो नंबर का हथियार ले लिए हो? हाँ, एक नंबर का है और बिना ट्रेनिंग के रखे हो। चलाना आता है? चलाना आता है? हाँ, कैसे गोली डालते हो पता भी है तुम्हें? हाँ, क्या जी, कौन सा तुम्हारा हथियार है? इंस्पेक्शन करने बोले थे, नहीं कर पाया। नहीं कर पाया ना? इसको कहाँ डालते हो? अरे भैया इसको मार छो 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 छो, तो दो चार को यही कम कर दोगे, तो खुद भी जेल जाओगे, मुझे भी पहुंचवाओगे। अरे क्या नहीं होगा, तुम इंस्पेक्शन करना नहीं आता बता रहे हैं? मैं बोला सर इंस्पेक्शन करके दिखाओ। नहीं आता ना? ऐसे गोला बंद करके ट्रिगर दबा दिया, नाली चेक ही नहीं किया, नाली चेक किया। अरे भैया तो नाली में गिरा दोगे कुछ लोगों को। नहीं, किसी भी को दिए जा रहे हो। वो तो जनता का ये है, जो फोटो वीडियो आने लग गया तुम्हारे जैसे लोगों पे नकेल कस रही है हमारी। नहीं, सही बात। कितनी उम्र है? 50 साल में कोई समझ नहीं आई तुमको? तुम्हारा दिमाग तो बच्चे वाला बुद्धि है तुम्हारा। बच्चा जो जो रास्ते चलता हुआ जो आदमी मिलेगा बंदूक दे दो, बंदूक दे दोगे तुम? चले पीछे हो, ये गैर जिम्मेदार लोग हो आप लोग। देखो इसी के साथ एक अपराधी भी हाथ लग गया आपने। ये अपराधी इसी चक्कर में हाथ लग गया। कितने अपराध हैं इसके? 7 है सर। 7 अपराध हैं। अरे भाई, पहला अपराध कब? बेटा उम्र कितनी है तुम्हारी? 21 साल में 7 अपराध कर दिए। तुम तो तेंदुलकर की तरह 17-18 साल में शुरू हो गए, क्रिकेट खेलता है ना वो। वैसे ये जुल्म की दुनिया में है, जुल्म की दुनिया का तेंदुलकर ही बन जाएगा मुझे लगता है ये। सेंचुरी कब मारोगे भाई क्राइम का? जिस तेजी से तुम्हारा चल रहा है क्राइम का रिकॉर्ड, मतलब सीधा कौन कौन से अपराध किए हैं इसने? जुआ सट्टा खेलता खिलाता भी है, लाठी झगड़ा भी किया है। जुआ सट्टा खेलता भी है खिलाता भी है, अरे गुड। और क्या करता है? लड़ाई झगड़ा का बहुत। लड़ाई झगड़ा तो देख के हथियार पकड़ता है तो और क्या करेगा, लड़ाई झगड़ा करता है। 354 लड़कियों को भी छेड़ दिया है, तो बचा क्या है इसका? बेटा इधर देखो, जनता को इधर देखो। हाँ, कहाँ तक पढ़े हो? 9वीं तक। पढ़ाई क्यों छोड़ दिए बीच में? ये ब्रांडेड कपड़े पहनते हो नाइकी के और फिर अपराध की दुनिया में घुस गए हो। कमाते कैसे हो, काम क्या करते हो? सुअर का बिजनेस है। किसका? सुअर का बिजनेस। उजरा ब्राउन शुगर का। डर गया कि नहीं? ओपनली बता रहा है। ब्राउन शुगर जानते हो? जानते तो हो गए यार। नशा नहीं करते मैं कोई भी। नशा नहीं करते? क्या क्या करते हो? करते क्या क्या हो ये तो बताओ। कुछ नहीं, शुगर बिजनेस। शुगर का, जुआ फट्टा का बिजनेस? भैया सर खेलता हूँ पार्ट टाइम। हाँ, अरे भैया तुम्हारी पूरी कुंडली निकाल चुके हैं हम लोग, आँख नीचे करने से थोड़ी बात छिप जाएगी। कहाँ खिलाते हो जुआ फट्टा? मोहल्ले में। मोहल्ले में खिलाते हो, तो उसको तो कुछ खिलाना मानते ही नहीं हो मोहल्ले में तो। वो तो तुम वो करते हो मतलब, क्या लोगों को एडवेंचर स्पोर्ट्स टाइप का काम कराते हो तुम। कितने लोग खेलते हैं तुम्हारे जुआ फट्टा? पहले खेलते थे सर अपने। तो पहले कितने लोग खेलते थे भाई? 5-6। 5-6 लोग। महीने का कितना कमा लेते हो जुआ फट्टा से? नहीं सर, उसमें तो हार ही जाते थे। नहीं, हार ही जाते हो। और क्या काम करते हो? और बाकी अपराध कैसे हैं, मारपीट के अपराध? बचपन में? अरे भैया बचपन के अपराध नहीं है। अभी तो 21 के हुए हो बचपन। अभी तक बचपन
और जेल रहे हो कभी? ये 354 कब कर दिए? हो गया तो सब कुछ ऐसे ही होता है भाई। और फरार कैसे थे तुम? नहीं सर, फरार नहीं था, मिल नहीं रहा था सर, मिल नहीं रहा था, फोन बंद करके हाँ खोलता था, कहीं कॉल करके बंद कर लेता था। अरे तुम इतना शातिर समझते हो खुद के? तीन दिन से भाग रहा था। पुलिस के हाथ भैया बहुत लंबे हैं, ये ब्रांडेड कपड़े पहन के मफल्स बना के कुछ नहीं होगा, अपराध करोगे तो जेल ही जाना पड़ेगा। और तुम्हारे दोस्त कौन कौन है इस अपराध में? और कोई नहीं सर, मैं अकेला हूँ। अकेले 7 अपराध कर दिए? नहीं, झगड़ाई झगड़े में थे, 2-3 लड़ाई झगड़े में थे। वो 2-3 कहाँ हैं? सब इधर उधर काम करते हैं। मतलब कभी काम भी करते हैं, लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, ऐसा क्या सर? ऐसे हो गया था। इस बार लंबे जाओगे, ठीक है? तुम लोग जो कानून को मजाक समझ लिए हो ना, तुम लोग ये अपराध पे अपराध किए जाओ और कुछ नहीं होगा, तो पहले 6 अपराध में जेल नहीं गए कभी क्या? जमानती था। अरे सही है, पहले जमानती हुआ, 6 बार जमानती अपराध में भगवान ने मौका दिया, तब भी नहीं सुधरे, तो अब चढ़ गया गैर जमानती, अब भी नहीं सुधरोगे? अरे सब कुछ तो करते ही हो भाई, तुम बचा क्या है तुम्हारे लिए? जुआ फट्टा खिलाते ही हो, लड़ाई झगड़ा करते ही हो, चाकूबाजी करते ही हो, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते ही हो, तो फिर क्या छोड़ा तुमने? नशे का काम भी पक्का करते होगे? हाँ, कोई नशा नहीं करते, वो तो जेल जाओगे तो फिर मालूम चल जाएगा। कहाँ का रहने वाला है ये? गौसिया मस्जिद के पास। पिताजी क्या करते हैं तुम्हारे? वो तो पुश्तैनी काम मिल गया ना, इसलिए कुछ मेहनत नहीं पड़ी। आदमी खुद कुछ करता है तो थोड़ी मेहनत लगती है, तो आटे दाल का भाव मालूम चलता है। कितने भाई बहन हो? 2 भाई बहन। बाकी दूसरा भाई क्या करता है? जेल में भी। अरे भाई ये भी पुश्तैनी है क्या? 376 में ना। देखो एक भाई ने बलात्कार कर दिया, एक भाई ने छेड़छाड़ कर दिया, क्या बताऊँ? कितना बड़ा है आप? फिर वो छोटा 2 साल। तुम कितने साल के हो? 21 साल। तो 19 में ही। अरे भाई तुमने उसको मार्गदर्शन दिया कि उसने तुम्हें मार्गदर्शन दिया? वो उसने कब किया 376? 1 साल। 1 साल हो गया, उसको देख के भी नहीं सीखे तुम? और तुमने महिला के साथ क्या किया? मैं कुछ नहीं किया सर, लड़ाई झगड़ा था वो। नहीं तो 354 कैसे हो गया? वो मैं हम लोग का लड़ाई झगड़ा लड़के लोग का था। हाँ हाँ। तो मेरे दोस्त को उसके जो लड़की लिखवाई है उसका बॉयफ्रेंड चक्कू मार दिया। किसको? तो मेरे दोस्त को। अरे अरे, तो रिपोर्ट लिखाने गया तो मेरे ऊपर छेड़छाड़ लगवा दिया। तो चक्कूबाजी भी करते हो तुम लोग? मैं नहीं, वो लड़का। लड़का तो भाई चक्कू तो एक चक्कू मारता होगा तो दूसरा क्या खाली हाथ रहता होगा? वो भी चक्कू मारता होगा? नहीं सर। ये फोटो कब खिंचाए तुमने हथियार के साथ? मैं तो खींचा बहुत पहले था, अपलोड अभी 3 साल पहले किया था। ये 7 साल वाला है क्या? हाँ, 3 साल पहले अपलोड किए। कहाँ अपलोड किए? लेकिन देख के लग नहीं रहा, जैसे अभी 21 साल है, 7 साल पहले 13-14 साल का। अरे नहीं यार, वो तो समझ गया मैं तो यार, वो तो वो भी झूठे रहा है, आर्मी का नाम डुबा रहा है। आर्मी में झूठ बोलने वालों को तो वो कर दे, यदि आर्मी में होता ना कोर्ट मार्शल कर दिए होते उसको भी। ये आर्मी के लोग सबसे डिसिप्लिन होना अनुशासित फोर्स है वो, ऐसे लोग आर्मी को भी कलंकित करते हैं, लाइसेंस भी अपन रख के इसको पकड़ा रहे, झूठ बोल रहे हैं। 7 साल 21 साल की तो उम्र है इसकी, फोटो देख के लग रहा है अभी का है, हम कहानी अपना रहा है, झूठ बोल रहा है। सही तो बोलने की हिम्मत रखो, वो तुरंत मालूम चल जाएगा फोटो कब का है फोरेंसिक से, फिर कार्रवाई कर दूंगा तुम्हारे ऊपर, झूठ कहानी सुना रहे हो मुझे। कब की फोटो है वो? नहीं सर, हो गया 7-6 साल हो गए, मैं 9वीं पढ़ता था। 9वीं पढ़ने के टाइम में ये हथियार के साथ फोटो खिंचाने की है ना? देखो भाई 9वीं में तुमको इतनी मूछ आ गई और दाढ़ी आ गई, मैं पता है मेडिकल का डॉक्टर भी हूँ, पता है तुम्हें? पता नहीं है, जितनी तुम्हारी उम्र हुई है ना 3 साल से डॉक्टरी कर रहा हूँ मैं, ये 9वीं साल में इतने मूछ और दाढ़ी कहाँ से निकल गए? कुछ हार्मोन का इंजेक्शन दिया करते थे क्या भाई? मुझे तो फोटो को देखते ही मालूम चल जाता है उम्र कितनी है।
एक सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला वो बंदा है आर्मी का, और वो दूसरे तुम हो उसके। तुम लोग क्या सोचते हो, झूठ के पता 5 पांव होते हैं। दिमाग का डॉक्टर हूँ मैं, पता है तुम्हें। तुम्हारे जैसे लोगों का इलाज कर दूंगा ना, परमानेंट इलाज हो जाएगा। बताओ स्टाइल देखे जनाब का। इन दोनों फोटो को भी डालिएगा ग्रुप में, डाल दूंगा। डालिएगा फोटो, एक पकड़े हुए दिखाऊं। देखें जनाब, देखिए, देखो भाई, जो खुद को 14 साल का बता रहे हो इस फोटो में। सही था फ्री। अरे भाई, ये तो ऐसा लग रहा है दीवार वीवार के पास खिंचवाया है। ये भाई बर्थडे का फोटो नहीं है, पर छत में खिंचा। अरे बर्थडे जब नीचे बन रहा था तो छत पर जाने की जरूरत क्यों पड़ गई? तो छत पे बर्थडे बना रहे थे क्या तुम लोग? सबसे तुम्हें बेवकूफ को क्या पुलिस अधीक्षक दुर्ग ही लिखते हैं क्या? कुछ भी कहानी सुना दोगे और मान जाऊंगा मैं। और ये आलोक सिंह था जो रखे हो 7884, ये 7884 क्यों रखे हो? नहीं मैंने सर, वो आईडी नंबर। आईडी है किसका? आईडी है ये मेरे। अरे आलोक सिंह नाम है आपका? चलो गुड। देखो तुम्हारा आईडी सही, पुलिस वाले पकड़ लिए तुमको। सोचो भाई का बलात्कार में फंसा, उसके बाद तो सुधर जाते, उसके बाद भी सुधार नहीं आया। साथ साथ अपराध कर दिए हो तुम। तुम्हारे जैसे आदमी सही समय पे दुर्ग पुलिस ने पकड़ लिया, नहीं तो भी आगे बलात्कार मर्डर दोनों में जेल जाते। अरे जब एक चला गया दूसरा भी, भाई ये अच्छा है दोनों भाई को जेल में एक ही सेल में रखवाना, कम से कम मन लगा रहेगा दोनों भाई का। कहाँ कौन से जेल में है भाई साहब? बेल हो गया दुर्ग जेल में ही है। जमात हुआ नहीं हुआ? हो गया था, सजा पड़ गई। सजा पड़ गई? कितने वर्षों की सजा हुई? 10 साल। 10 साल सजा हुई इसका? पहले किया होगा उसने यार, 1 साल पहले ही किया तो 1 साल में सजा हो गई? 1-1.5 साल की हुई। 1.5-2-3 साल हुआ होगा भाई, किसको कहानी सुना रहे हो? 2020 का ही केस था। 20 का केस था, 22 में जजमेंट आ गया होगा। 3 साल हो गए ना भाई? 3 साल हो गया भाई, 1 साल छोटा है इससे। सर उमर ये गलत बता रहा है, उमर ही गलत बता रहा है अपना और उसका सबका। फिर वो अब नाबालिग होता है? 300 नाबालिग नहीं, वो मतलब बालिग होते ही बलात्कार कर दिया। हाँ बर्थडे के तीसरे दिन ही, मतलब 18 होने का इंतजार ही कर रहा था। हाँ यार तुम लोग हो यार सैंपल बिल्कुल। हाँ तुमने 18 होते ही क्या काम किया? वो तुमने मारपीट चाकूबाजी शुरू कर दी, जुआ फट्टा चाकूबाजी। परिवार में तुम ही दोनों जेल गए हो और भी गए? पिताजी हाँ पहले गए होंगे। देखो ये मैं क्या बोलूँ यार, बोलना नहीं चाहिए। पिताजी जेल गए, दोनों बच्चे। पिताजी का रिकॉर्ड होगा, आप चेक करवाना, मैं अभी बता रहा हूँ। गए हैं देखो, देख के समझ गया ना मैं, डॉक्टर हूँ दिमाग का ही। किस चीज में जेल गए हो? मारपीट बलात्कार? हाँ नहीं मारपीट में तो खानदानी मारपीट करने वाले हो तुम लोग। तुम लोग यार अपनी एनर्जी को गलत इस्तेमाल करते हो। आर्मी में पुलिस में जाओ तो वो आर्मी वाले पकड़ लिया तुमने साथ में। भाई आपने क्या टैलेंट देख के इनको बंदूक पकड़ाया आपने? नहीं पता सर अभी क्या हुआ। हाँ यही रिकॉर्ड देख के दिया होगा आपने कि बलात्कार करते हैं, चाकू छुरी चलाते हैं, मैं बंदूक ही देता हूँ। अरे भैया आदमी देख के बंदूक देता है ना आदमी। पिताजी जेल में, भाई जेल में, ये जेल में। उनके बेटे का भी रिकॉर्ड है? किनका पूछे ना सर, उनके बेटे का रिकॉर्ड तो नहीं है? इनका इनका बेटा भी जेल गया है? इसका दोस्त है ना उनका बेटा? नहीं नहीं वो नहीं, नहीं गया। चलो पीछे हो यार, क्या तुम लोग हो, आ जाओ छुटकू। तुम क्यों फोटो खिंचाए भाई इसके साथ? हाँ खिंचाने से क्या क्या फायदा होता है इसको तो समझ में आया कि दूसरे जो गैंग है उनके सामने वर्चस्व आएगा कि बंदूक वाला आदमी है, छुरी चाकू चलाता है, तो समझ में आता है। तुम्हें क्या फायदा हो गया? क्या काम करते हो? जानवर पालते हो? कौन से जानवर? सुअर पालते हो?
तो उसमें इस बंदूक की क्या आवश्यकता पड़ गई? दोनों स्वर मोहल्ले के हो। कितने फुहार है तुम्हारे पास? पूरा ध्यान तुम्हारा लड़कियां छेड़ने में और जुआ सट्टा और चाकूबाजी में रहेगा तो फुहार कहाँ से बचेंगे? बेचारे अनाथ की तरह घूम रहे होंगे इधर उधर। बीमारी में खत्म हो गया। तुम्हारे कितने फुहार है भाई? 20-25। तुम्हारे सही सलामत है कि तुम्हारे भी गुम हो गए सर? घर में है। अरे भाई फोटो देखो है, तुम्हारा तो पहचान भी नहीं आते यार, तो हीरो लगते हो बिल्कुल। इंस्टाग्राम का तेवर सबका अलग है सर। देखिए इंस्टाग्राम में जनाब के कुछ फायदा हुआ ये फोटो लगा के? फोटो लगा के लड़कियों का रुझान भी कहाँ आया? एक भाई को बलात्कार करना पड़ा, एक भाई को छेड़छाड़ करना पड़ा। इस इंस्टाग्राम में लगाने से क्या फायदा हुआ भाई? इनके इंस्टाग्राम पोस्ट पे ना के जो सजा होगी ना वो भी पोस्ट करना, और दूर पुलिस पोस्ट करेंगे सभी लड़कियों को मालूम तो चलेगा कि ऐसे लड़कों से बचना है। ये देखिए जनाब, ये कौन दिया था इसको? हाँ ये तो बता रहा है रास्ते में, देखो रास्ते में दीवारें कहाँ से आ गई? घर के अंदर से। हाँ अभी आप तो बता रास्ते में जा रहे थे, तो रास्ते में लिया वो लेके घर चला गया आपने, और आप वहां से देखते रहे मूवी की तरह। कैसे गार्ड हो यार, क्या सुरक्षा करोगे आप? अपने हथियार की तो सुरक्षा नहीं कर पाते आप। अभी कहाँ नौकरी कर रहे हो? वो वहां से भी निकाल दिए जाओगे जब एक लेटर जाएगा ना यहाँ से। तुम लोगों ने दुर्ग को तो पूरा वो प्लेग्राउंड समझ रखा था ना, कोई हथियार के साथ फोटो लगाएगा, कोई चाकू के साथ लगाएगा, कोई टेढ़ा मेढ़ा बाइक चलाएगा। गलती तो हुई है भाई, उसमें मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। तुमको कोई, तुमने क्या सोचा तुमको मैं अवार्ड और क्या यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट देने के लिए बुलाया हूँ क्या? इस आशा के साथ आए थे क्या तुम दोनों? कम से कम आदमी देता भी है तो कुछ सज्जन लोगों को देता है। इतने अपराधियों को तुम लोग वेपन पकड़ाते हो, वो वेपन से जाके कुछ मर्डर कर देंगे तो समझ में आता है क्या होगा आप लोगों के साथ? ये तो जेल में रहेंगे, साथ में आपको भी ले जाएंगे। ये जो फोबाजी का गन कल्चर है ना, इसको खत्म करने की आवश्यकता है। क्यों इसको लगाने से फायदे बताओ जो दो धरा सामने, दो तीन फायदे बताओ गन लगाने के। लड़के क्यों लगाते हैं आजकल? तभी तो मैं उनकी काउंसलिंग करूंगा ना आगे। यार लोग क्यों लगाते हैं गन के साथ फोटो बताओ भाई? ऐसे ही चलो तो पीछे हो, ये बताएगा ये समझदार लड़का। इधर बता क्यों लगाते हो गन के साथ फोटो? क्या क्या एडिट करके? अरे उसको भी एडिट करते हो? क्या एडिट करते हो उसमें? थोड़ा अपना स्टाइल उसमें बदलते हो गए? नहीं सर। तो एडिट बस करते हैं। क्या एडिट? कुछ नहीं, बैकग्राउंड चेंज करते हैं। बैकग्राउंड करते हो, और इससे बाद में फायदा क्या मिलता है? तो क्या बोल के लिए तुम उनसे हथियार? ये नहीं थे, मैं ये नीचे थे, मैं ऊपर था इनके बेटे के साथ। हाँ तो वहीं पे खिंचा लिया था। ओ हथियार बेटे के पास था? घर ही में था, ऊपर था मैं। ऊपर हथियार लेके कौन आया? ऊपर ही पड़ा था। ऊपर ही पड़ा था? अरे जनाब इधर आइए। हथियार ऊपर खुले में छोड़ के रखते हो आप? कोई कंट्रोल ही नहीं है आपका तो हथियार पे? ले भी नहीं था सर, रूम में था इनका, ऊपर भी रूम में। हाँ ऊपर के रूम में पड़ा हुआ था खुले में। भैया इसको चाबी लॉक एंड की में रखना होता है, ये खुले में क्या रखे हो? ये कोई ये तो बिना पूछे ले लिया बता रहा है। नहीं सर, इनका बेटा से पूछा था। ये हथियार बेटे का है कि इनका है? हाँ बेटा कौन होता है तुम्हें कंसेंट देने वाला? बेटा ही गलती से यूज कर लिया, जो करता है क्या? बेटा ही जो घूमता होगा हथियार इनका। अरे बोल रहा है ना बेटे से लिया है, घर में लिया सर, वहाँ तो ले नहीं जा सकते।
अरे भैया को घर में को लॉक एंड की के अंदर रखना होता है, क्या आदमी हो, 24 साल रहे हो यार, क्या ट्रेनिंग किया आपने, ऐसे हथियार को रखते हो आर्मी में कि कोई सिविलियन आया उसको दे दिए या ऐसे ही बैरक में छोड़ दिए? तो जिम्मेदारी की चीज़ है ये। चलो, जब से मैंने अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 7898815 पब्लिक किया है, तब से जनता से डेली सैकड़ों वीडियोज हमारे पास आ रहे हैं, जिसमें मेनली ट्रैफिक वायोलेशंस के, चाकू के साथ, तलवार के साथ केक काटते हुए, लहराते हुए, वैध और अवैध हथियारों के साथ फ़ोटो खिंचाते हुए वीडियोज आ रहे हैं। इसी आधार पर आज दो लोगों को वैध हथियारों के साथ फ़ोटो खिंचाते हुए जो है वो पकड़ा गया है। इसमें एक जो है वो एक्स सर्विसमैन का लाइसेंस वेपन के साथ फ़ोटो खिंचा रहा था, दूसरा लड़का जो है वो बिजली विभाग में सिक्योरिटी गार्ड है, उसके वैध वेपन के साथ फ़ोटो खिंचा रहा था। ये चिंताजनक बात है कि दोनों जो है सुरक्षाकर्मी होकर सुरक्षा नॉर्म्स को जानने के बाद लाइसेंस नियम का उल्लंघन कर रहे थे। इन दो लड़कों को जिन्होंने फ़ोटो खिंचाया उसमें एक आयतन अपराधी है, 21 वर्षीय वो व्यक्ति, 7 अपराध नामजद उसके खिलाफ पहले से हैं, जिसमें एक 354 महिला के साथ छेड़छाड़ का आरोप है, उसका भाई भी 376 के आरोप में 10 साल की सजा हुई है, वो 3 महीने से फरार चल रहा था, उसको पुलिस पकड़ने में सफल हुई है। दूसरा व्यक्ति जो है वो उसके खिलाफ अभी अपराध नहीं मिला है, ढूंढा जा रहा है। इन दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के वायोलेशन की कार्रवाई की जाएगी। मैं जनता से आह्वान करता हूँ कि जिन्होंने भी पहले जाने अनजाने आर्म्स के साथ फ़ोटो खिंचाए हैं, चाकू के साथ फ़ोटो खिंचाया है, उसको अपने सोशल मीडिया अकाउंट से डिलीट कर दें, अन्यथा पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आने पे उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट में सख्त कार्रवाई की जाएगी, और आगे से कोई भी अपने फ़ोटो वीडियो ना खिंचाएं। जो भी लोग वैध हथियार दूसरों को दे रहे हैं, अभी हम उनका लाइसेंस कार्रवाई, लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में उनके खिलाफ भी आर्म्स एक्ट के तहत गंभीर कार्रवाई की जाएगी। हमें ज़रूरी है कि हमें गन कल्चर, चाकू कल्चर को डिप्लोर करें, उसको जो है बंद करें, वरना अन्य छोटे बच्चे भी इन फोटो को, वीडियो को देख के वो भी आर्म्स की मांग करते हैं। इस तरह से बिना ट्रेनिंग के आर्म्स के इस्तेमाल से कभी घटना दुर्घटना भी हो सकती है और दूसरे बच्चे भी आर्म्स की तरफ प्रेरित हो सकते हैं। जो दुर्ग पुलिस जनता की मदद से इस आर्म्स कल्चर को दुर्ग में पूरी तरह से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। सैकड़ों हथियार मिले हैं, अभी इसकी गिनती नहीं कराई गई है, अभी उसको मंडे को खोला जाएगा, मंडे के बाद पूरी जानकारी मीडिया से जो है शेयर की जाएगी, लेकिन हर डब्बे में 5-6 हथियार आए हैं, 12 जगह पर हमने लगाया है, टोटल काउंट जो है कल खोलने के बाद मालूम चलेगा।